ज्योति कॉन्ट्रैक्टर मैम, राइट? सो डू वी फॉलो कुंभक फॉर 3 years एंड ज्वाइन स्वामीजी, और कैन वी डू आवर सेल्फ आफ्टर 9 weeks? इज दिस अ वे ऑफ लाइफ? Yes, it is a way of life. If you spend a little time upon yourself every day, you'll see that you'll be protected from almost everything in your life. It'll not only help you to get a good experience of life, to be protected and not get into disease later on in your life, but it also will evolve you in a certain way which you can't even think of. Yes, it is a way of life. आप अपने आप ही करेंगे, हम आपको केवल सिखा रहे हैं. वो सिखाने के बाद यू जस्ट कैरी डाउन, ये आपको हम दे देंगे, ये आप करते जाइए. इट विल नेवर स्टॉप, इट विल ग्रो विथ यू, ये आपके साथ में ग्रो करता जाएगा और ऐसे सटल सटल लेवल पे जाता जाएगा जहां अभी आप सोच भी नहीं सकते. यस, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, यू विल हैव टू डू इट ऑन योर ओन. 9 weeks इज अ लर्निंग फेज, ये सिखाने का तरीका है 9 हफ्ते तक. उसके बाद कस्टमाइज करेंगे आपके हिसाब से. कस्टमाइज प्रैक्टिस इज वॉट यू हैव टू डू फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स. बबली मैम राइट्स, आई बिलीव द बोन फ्रैक्चर कैन ऑल्सो बी रिवर्स थ्रू कुंभक. माई ब्रदर गॉट अ बैड नी इंजरी. Bone fracture is not a problem. Body always recovers from any kind of a fracture. Not there is no medicine to heal from fracture. कोई दवाई होती ही नहीं है इसकी. आपको क्या लगता है कि आपके बॉडी में फ्रैक्चर कौन ठीक करता? नहीं, कोई भी ठीक नहीं करता. वो केवल एक प्लास्टर सपोर्ट के लिए है. इट डजंट हील योर फ्रैक्चर. अगर आप प्लास्टर नहीं लगाएंगे, लकड़ी भी बांध देंगे, स्टेबल भी रहेंगे तो भी ठीक हो जाएगा. अगर उसको पकड़ के भी रख लिए कुछ दिन तो भी ठीक हो जाएगा. Your body heals a fracture, but wherever fracture happens, it becomes more strong. आपके जहां भी फ्रैक्चर होता है ना, वो ज्यादा मजबूत हो जाता है. सो वॉट विल हील? योर बॉडी विल हील. यू इंक्रीज द हीलिंग पावर. मैं क्या बता रहा हूं, दवाई तो आपको ठीक नहीं करेगा. कौन ठीक करेगा? आपके शरीर ही ठीक करेगा. तो आप उसको और स्ट्रांग कर दो ना, उसकी हीलिंग पावर को. अष्टांग चिकित्सा इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग द हीलिंग पावर ऑफ योर बॉडी. देर इज नो अदर हीलिंग पावर इन द वर्ल्ड. आपका शरीर ही ठीक करता है अपने आप को. उसको ठीक करने की क्षमता बढ़ा दीजिए और जल्दी ठीक कर देगा. फ्रैक्चर, एज आई सेड अर्लियर, फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर मे हैपन ड्यू टू ब्रिटलनेस ऑफ बोन, विच इज ऑस्टियोपोरोसिस. अगर किसी की हड्डी थोड़ी हल्की है तो उसको फ्रैक्चर होने का चांस ज्यादा होगा. तो और भी जरूरी है that you increase the absorption power of your body and increase the density of bone, जिससे कि फ्रैक्चर होने की संभावना कम हो जाए. बादारुनी सर मैम राइट्स, हैविंग पेन इन राइट लेग, नॉट फीलिंग फ्रेश इन द मॉर्निंग. वन ऑफ द रीजन वाई वी पेन फील पेन ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी इज नॉन अलाइनमेंट और डिस अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी. एक पक्ष कमजोर होता है ना, बिकॉज ऑफ डिसअलाइनमेंट. देर आर 3 kinds ऑफ अलाइनमेंट दैट यू नीड इन योर बॉडी. आपको अगर बहुत अच्छे से जीना है ना, तो आपको 3 अलाइनमेंट चाहिए आपके शरीर. द फर्स्ट अलाइनमेंट इज नाभि, नाभि का अलाइनमेंट. सो नाभि का अलाइनमेंट सही होगा, देन देर विल बी वन अग्नि विच इज कॉल्ड एज गार्ह्य पत्य अग्नि विच विल बी स्ट्रॉन्ग. तो नाभि का अलाइनमेंट, एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज ड्यू टू नाभि हिस अलाइनमेंट. द सेकेंड अलाइनमेंट दैट यू नीड इज द अलाइनमेंट ऑफ योर चेस्ट और व्हाट वी कॉल एज कौड़ी. तो देयर इज अ मिडल ऑफ चेस्ट ना, यहाँ पे एक छोटा सा एक कौड़ी जैसा एक हड्डी निकली हुई है ना, और जहां पे रिब केज मिलते हैं वहां पे एक छोटा सा प्रोट्यूडिंग बोन है, थोड़ी सी छोटी सी हड्डी है यहाँ पे, दैट इज कौड़ी. इसके अलाइनमेंट की वजह से आपका लंग एंड हार्ट फंक्शन होता है. सो इफ दिस इज अलाइन, देन द सेकेंड फैक्टर विच इज कॉल्ड एज दक्षिणाग्नि विल रिमेन प्रॉपर. दक्षिणाग्नि ठीक रहेगा. देन कम्स बॉडी स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट और फंक्शनल अलाइनमेंट, पूरे अपने बॉडी के स्ट्रक्चर का कार्यकारी अलाइनमेंट, विच इज नले, विच हैपन्स बिकॉज ऑफ हाउ डू यू वेयर डू यू स्टैंड ऑन ऑन योर लेग्स. आप लेग्स पे खड़े होते हैं तो आपके पूरे बॉडी का जो एक्सप्रेशन है, चलना जैसे समझ लीजिए, हाउ डू यू वॉक, द वे यू टॉक, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से चीजों को देखते हैं. कोई बहुत ऐसे टेढ़ा करके देखेगा किसी चीज को, कुछ ऐसा करके सोचने की कोशिश करेंगे. सो
the structural alignment is also responsible for the expression of your life. ये नले की वजह से होता है. जान पहलवान है ना, जान पर ठोकते थे तो ये कहते थे कि हमारे नले मजबूत हैं. That means our structural integrity is much better. तो ये तीन अलाइनमेंट आपको चाहिए, तब जाके आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चलती है. तो अष्टांग चिकित्सा has methods to align all these three aspects. अष्टांग चिकित्सा में ही ये निहित है, इसी के अंदर है ये तीनों चीजों का अलाइनमेंट. तो ये तीनों चीज जैसे अलाइनमेंट हो जाते हैं, you'll feel very light in the body, very light in the mind. आपको शरीर बड़ा हल्का लगता है, माइंड बड़ा हल्का लगता है. दिस इज कॉल्ड एज हैप्पीनेस. आप हैप्पीनेस वो है ना, कुछ लोग हैप्पीनेस घूटी लगा के हैप्पीनेस होता है, कुछ बैंक में पैसे का हैप्पीनेस है ना, थोड़ी टाइम का हैप्पीनेस है, विल नॉट क्रिएट हैप्पीनेस फॉर यू. तो हैप्पीनेस क्या है, आपकी अपनी स्थिति को हैप्पीनेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. द स्टेट ऑफ बीइंग कैन क्रिएट हैप्पीनेस.